तो लास्ट सेशन में हमने कवर किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद बच्चों आया था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें मोनेरा जो था हमारा फर्स्ट किंगडम जो था हमारा उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया कौन सी दो क्लासेस थी दैट वॉज यू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया एंड आर बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया इन दो क्लासेस में क्या कर दिया गया इन दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया किसको मोनेरा किंगडम को तो वहीं से पांच से छह किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया और उसके बाद आया हमारा थ्री डोमेन ऑफ लाइफ या फिर इसको हम कह सकते हैं थ्री डोमेन सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं तो आज के सेशन में हम इसी थ्री डोमेन सिस्टम को या थ्री डोमेन ऑफ लाइफ इसको डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तो थ्री डोमेन ऑफ लाइफ अभी हमने तो अभी तक क्या पढ़ा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था फाइव किंगडम में क्या हुआ था बच्चों कौन कौन से फाइव किंगडम थे हमारे दैट इज मोनेरा मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाय प्लांटे एंड एनिमेरिया तो ये हमारे फाइव किंगडम थे जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया क्लासिफाई किया हमने नहीं किया एक्चुअली आर एच विटेकर ने क्लासीफाई किया ठीक है तो इसके बाद आया दैट इज थ्री डोमेन सिस्टम थ्री डोमेन सिस्टम में क्या हुआ बच्चों मोनेरा को क्या कर दिया गया दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया बता रही हूं इसका कैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ इसका ये देखने वाले हम तो मोनेरा को क्या कर दिया गया मोनेरा को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया दैट इज यू बैक्टीरिया एंड आर की बैक्टीरिया आर की आर की बैक्टीरिया ये दो क्लासेस में क्या कर दिया गया डिवाइड कर दिया गया और बाकी जितने बचे हैं इनको डाल दिया गया एक क्लास में दैट इज यू कैरिया या फिर यू कैरियोट्स तो थ्री डोमेन ऑफ लाइफ में बेसिकली तीन क्लासेस रखी गई या फिर तीन डोमेन्स रखे गए कौन कौन से पहला डोमेन था यू बैक्टीरिया जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं पहला डोमेन वॉस यू बैक्टीरिया सेकेंड वॉस आरकी बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया एंड द थर्ड डोमेन वॉज यू कैरियोर्ड्स या फिर यू कैरिया ठीक है इसको क्या बोल सकते हैं यू कैरियोर्ड्स बोल सकते हैं या फिर यू कैरिया बोल सकते हैं तो ये थे हमारे थ्री डोमेन सिस्टम थ्री डोमेन सिस्टम तो इसके बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं इसके लिए हम एक टेबल को समझने की कोशिश करेंगे पहले ये जान लेते हैं थ्री डोमेन सिस्टम दिया किसने था सो दिस थ्री डोमेन सिस्टम वॉज गिवन बाय कार वोजे एंड Fox. कार वोजे एंड Fox कब दिया था ये सो दैट वॉज गिवन इन नाइनटीन नाइनटी नाइन तो ये कुछ चीजें हैं जो याद करनी है तो चलिए अभी इन तीनों को कंपेयर करते हैं यू बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया एंड यू कैरियोट्स को इनको इनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे कंपेयर करते हैं सो so, यहाँ पे ये चार्ट हमें समझना पड़ेगा याद करना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहला जो कैरेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैरेक्टर्स हमने कंसिडर किए दिस इज बैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं सेकेंड इज़ आर की बैक्टीरिया एंड द थर्ड वन इज यू कैरिया तो चलिए कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो पहला है न्यूक्लियर एनवेलप तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है बच्चों वो बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है मोनेरियंस में ही एबसेंट होता है ठीक है हमने देखा था और मोनेर को ही ब्रेक डाउन करके दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया बैक्टीरिया नार की बैक्टीरिया तो यहाँ पे ये मोनियर जो होते हैं दे आर प्रो कैरियो अगर प्रो कैरियो है तो न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे क्या होगी एबसेंट होगी प्रेजेंट नहीं होगी वही यू के केस में न्यूक्लियस प्रेजेंट है न्यूक्लियर एनवेलप भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा सेकेंड बात करते हैं मैमब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनलीज की यानी कि सेल में जो भी ऑर्गेनलीज है क्या वो मेम्ब्रेन एनक्लोज है तो हमने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स का फीचर ही होता है कि सेल ऑर्गेनलिज जो है वो मैमब्रेन बाउंड नहीं होती या फिर मैमब्रेन एनक्लोज नहीं होती सो दैट विल ऑल्सो बी एबसेंट इन बोथ द बैक्टीरिया एंड आर बैक्टीरिया वेर एज इट विल बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ यू कैरियोड्स थर्ड बात करें तो पेप्टाइडो ग्लाइकन की पैप्टाइडो ग्लाइकन वॉल में प्रेजेंट है या फिर नहीं है तो ट्रू बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया की वॉल की अगर हम बात करें सो इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो वही आरके बैक्टीरिया के सेलवॉल की अगर हम बात करें सो दैट इज मेड अप ऑफ दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड से बनके बना होगा प्लस प्रोटीन तो इन दोनों चीजों से मिलके बना होता है हमारे आरके बैक्टीरिया का सेलवॉल वही यू के केस में ये यू के केस में ये क्या होगा ये एबसेंट होगा यानी कि पैप्टाइडोग्लाइकन से हमारी सेल्वॉल नहीं बनी होगी इंस्टेड ऑफ पैप्टाइडोग्लाइकन यहाँ पे सेल्युल प्रेजेंट होता है ठीक है तो पैप्टाइडोग सेलवॉल में प्रेजेंट है क्या तो इट इज ओनली प्रेजेंट इन द केस ऑफ यू बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया का भी सेलवॉल बना होगा पॉलिसेक्ट्राइड एंड प्रोटीन से यू कैरियो का सेलवॉल जो है वो भी बना होगा सेलुलोज से तो इट इज प्रेजेंट ओनली इन द केस ऑफ यू बैक्टीरिया ओके नेक्स्ट फीचर देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं सो तो दैट इज मैम्ब्रेन लिपिड्स मैमब्रेन लिपिड जो है बेसिकली अनब्रांच हाइड्रोकार हाइड्रोकार्बन से बनी होती है और यहाँ पे जो लिंकेज होती है दैट इज िया की अगर हम बात करें सो दे आर बेसिकली ब्रांच एंड इट इज ईथर ईथर लिंक्ड होती है यू कैरियउ की अगर हम बात करें सो so ये भी कैसी है ये भी अनब्रांच है अनब्रांच है और ये भी किससे लिंक्ड है ये भी ईस्टर लिंक्ड है तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद करने पड़ेंगे यहाँ पे समझाने जैसा कुछ नहीं है बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की तो आरएनए पॉलीमरेज जो है यू बैक्टीरिया के केस में एक ही आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है या फिर एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है नंबर ऑफ पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो यू बैक्टीरिया में एक ही आर एक ही टाइप का आर पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है वहीं पे आर के बैक्टीरिया में भी सर्वल काइंड पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के पाए जाएंगे यू में भी अलग अलग टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज हो सकते हैं मेजरली तीन टाइप के होते हैं पॉलीमरेज पॉलीमरेज आरएनए जिसके बारे में आगे क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे इनिशिएटर की बात करें इनिशिएटर अमाइनो एसिड यानी कि इनिशिएटर टी आर एन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया इसको रब कर लेते हैं पहले सो इनिशिएटर सो इनिशिएटर की बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरिया के केस के में कौन से होंगे और माइनमिथियो वहीं आर बैक्टीरिया एंड यू कैरियोट्स के केस में क्या होगा यहाँ पे मिथ्योनिन होगा इनिशिएटर अमाइनो एसिड क्या होगा मिथ्योनिन आर बैक्टीरिया एंड यू के केस में मिथ्योनिन होगा वहीं बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया के, के केस में इट विल बी फॉर्माइल मिथ्योनिन इंट्रॉन्स की अगर हम बात करें इंट्रॉन्स इन जीन्स इंट्रॉन्स क्या होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस तो इंट्रॉन्स जीन्स में बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होंगे आर बैक्टीरिया में ये कुछ जीन्स में प्रेजेंट होंगे और यू कैडियोर्ड्स में ये प्रेजेंट होते ही है ठीक है नेक्स्ट कैरेक्टर्स है रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक्स टेप्टोमाइसिन एंड क्लोराम फिनिकॉल तो इसका रिस्पॉन्स कैसा है रिस्पॉन्स कैसे करेगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा इसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी रुक जाएगी वहीं आर के बैक्टीरिया की ग्रोथ पे कोई असर नहीं होगा उसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी यू कैडियोर्ड्स की ग्रोथ भी यहाँ पे नहीं रुकेगी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हो रहा है सो दैट इज ट्रू बैक्टीरिया नेक्स्ट देखें हिस्टोन एसोसिएटेड विद डीएनए तो हिस्टोन यहाँ पे डीएनए के साथ जो एसोसिएटेड होता है उसकी अगर हम बात करें हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली डीएनए पैकेजिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं प्रोटीन्स होते हैं ये आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में भी तो बैक्टीरिया के केस में इट इज एबसेंट आर बैक्टीरिया के केस में प्रेजेंट होते हैं लेकिन कुछ स्पीशीज में प्रेजेंट होते सब में प्रेजेंट नहीं होते में ये सब में ही प्रेजेंट होते हैं स्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए के साथ एसोसिएटेड होते हैं ये सब में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट है सर्कुलर क्रोमोजोम क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें सो बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया दोनों में ही जो क्रोमोजोम है दे आर सर्क्युलर वही यू कैरियोर्ड्स में सर्क्युलर क्रोमोजोम एबसेंट होता है वहां पर सर्क्युलर क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं होता तो नेक्स्ट है हमारा दैट इज ग्रोथ एट टेम्परेचर मोर देन हंड्रेड डिग्री तो नॉर्मली लाइफ के लिए इतना ज्यादा टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें सो so, इस केस में भी ये फेवरेबल नहीं है यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेंगे लेकिन बच्चों आर बैक्टीरिया जो है आर बैक्टीरिया के कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाएंगे वही यू कैर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस टेम्परेचर पे तो यहाँ तक समझ में आया होगा तो आर की बैक्टीरिया की एक और चीज़ जो है बच्चों यहाँ पे आर की बैक्टीरिया को जो है वो प्रिमेटिव लाइफ फॉर्म कह सकते हैं क्योंकि आर की बैक्टीरिया उस टाइम पे भी अर्थ पे थे या फिर उस टाइम पे भी सर्वाइव कर सकते हैं उस एरिया में उस रीजन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सेलिनिटी है सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है पानी बहुत कम है ऐसी कंडीशंस में भी ये बैक्टीरिया क्या करते हैं सर्वाइव कर सकते हैं जिंदा रह सकते हैं तो इसीलिए इसी फीचर की वजह से इसी कैरेक्टर्स की वजह से हम क्या कहते हैं ये प्रिमेटिव लाइफ फॉर्म है यानी कि ऐसे एरिया में भी ये रह सकते हैं जहाँ पे जहाँ पे नॉर्मल लाइफ का सर्वाइव होना पॉसिबल नहीं है इसीलिए ऐसा माना गया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑरिजिनेट हुए हैं वो आर बैक्टीरिया से ही ऑरिजिनेट हुए हैं तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई होगी आपको जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है